Hi everyone, I hope you all are doing great. I know my voice is sounding different, I'm not keeping well, but never mind. और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं 5 amazing DIY out of waste. So if you're new to our channel, do subscribe and without any further ado, let's begin the video. तो सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ ये कुकी का बॉक्स. यू कैन सी इसकी हालत बहुत बेकार है, इसमें थोड़ा सा जंग भी लग गया है. तो इसी को हम बनाने वाले हैं, बहुत ही सुंदर सा बॉक्स. तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर लगा लिया है चॉक पेंट. आप जैसे ले सकते हैं और जितने भी ब्रश मार्क्स हैं ना उनको हम डाइवर की हेल्प से इस तरह से निकाल लेंगे. तो उसके बाद बेस को भी हम पेंट कर लेंगे. जहाँ पर बॉक्स बंद होता है ना वहाँ पेंट नहीं करना है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक ब्यूटिफुल स्कल्पचर पेस्ट and I'm going to make beautiful flower on that. So base में मैंने 2-3 color mix करके ले लिए हैं. आप अपनी choice का कोई भी ले सकते हैं. Actually आप यहाँ पर normal कोई भी color कर सकते हैं. I just wanted to make the base something like this. So once the base is done, now I have taken some colors. कुछ green लिए हैं, कुछ white and pink and mix करके मैंने यहाँ पर लिए हैं colors. सबसे पहले हम बनाएंगे leaf. लीफ बनाना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ईजी. एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने सिंपली सिर्फ स्कल्पचर पेस्ट पिक किया है और सिंपली इस तरह से पत्तों को बिठा दिया है. सो लीफ हो जाने के बाद मैंने धीरे धीरे इसमें फ्लावर बनाए. फ्लावर बनाने की टेक्निक यू कैन सिंपली फॉलो, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा देख लेना, क्योंकि स्कल्पचर पेंटिंग में मैंने यही देखा कि काफ़ी सारे लोग एकदम मिक्स एंड मर्ज कर देते हैं बहुत सारे कलर्स. ट्राई टू कीप इट एज नेचुरल एंड एज न्यूट्रल पॉसिबल. नेचर हैज़ गिवन अस सो ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स ऑफ यू नो कलर्स. सो फ्लावर्स को बनाना कैसे है, तो यहाँ मैं आपको एक पेटल दिखाती हूँ बना के. तो आपको हमेशा अपना जो पैलेट नाइफ है उसको अच्छे से क्लीन करना है एवरी टाइम यू पिक अप अ फ्लावर का पेटल, राइट. उसके बाद हमें धीरे धीरे स्कल्पचर पेस्ट कुछ इस तरह से अपनी पैलेट नाइफ में लेना है. बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है और उसके बाद हमें इस तरह से इसे बिठा देना है. इट्स वेरी इजी. उसके बाद आप एक ब्रश लीजिए और कुछ इस तरह से आप बीच में जितने भी इम्परफेक्शंस हैं उनको आप ब्रश से कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं. तो फ्लावर कुछ इस तरह से बन सकता है. मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ आई नो, बट अगर आप सीख जाएंगे तो आप काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर इसमें बना सकते हैं. और स्कल्पचर पेस्ट इज़ फ्रॉम इट्सी विट्सी एंड इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड Kanchan5 आपको वहाँ से एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट भी मिल जाएगा. तो इस तरह से हमारा फ्लावर हो जाता है रेडी. और साइड में इसको थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ पर इसमें वाइट कलर के इस तरह से डॉट्स बना दिए हैं जो कि एकदम मोती वाला इफेक्ट दे रहा है. अच्छा, यहाँ पर मैं एक आपको बहुत ही अमेजिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ कि ड्रॉपलेट्स आप कैसे बना सकते हैं घर पे. तो इफ़ यू हैव हॉट ग्लू गन यू कैन सिंपली टेक इट आउट और फिर जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद आप निकाल लो इसको और इसको फ्लावर के ऊपर स्टिक कर दो. सी ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल पानी की बूंद जैसा ये लग रहा है. कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये ड्रॉपलेट वाला आइडिया कैसा लगा. ऑल राइट, नाउ वी आर गोइंग टू डेकोरेट द बेस. बेस डेकोरेट करते करते तो मेरी चटनी बन गई, बिकॉज आई वॉज लाइक कि पहले मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊंगी, डिज़ाइन भी मुझे पसंद नहीं आया. फिर मैंने सोचा चलो ठीक है डिज़ाइन छोड़ दो. उसके बाद मैंने सोचा इसके ऊपर मैं स्टेंसलिंग करती हूँ. स्टेंसलिंग में भी मैंने 2-3 तरह की अलग अलग करी स्टेंसलिंग, वो भी मुझे पसंद नहीं आए. सो दिस इज़ एक्चुअल रियल स्ट्रगल ऑफ एन आर्टिस्ट यू नो. हमें अपना ही काम पसंद नहीं आता है उसके बाद हम सारा मिटा देते हैं. फाइनली मैंने इसके बेस पे कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बना दिया क्रिस क्रॉस, विच इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग. मुझे ज़रूर बताना आपको ये बॉक्स कैसा लगा. मुझे तो बहुत अमेजिंग लगा. यू नो ये एक कितना बेकार सा डब्बा था एंड नाउ वी हैव कन्वर्टेड इन टू सच अ प्रिटी बॉक्स. यू कैन गिफ्ट इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. यू कैन कीप योर ज्वेलरी इन इट. लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट. नेक्स्ट वन मैंने बनाया है ये ब्यूटीफुल सा वास. कैन यू बिलीव इट, ये आसाम की लकड़ियों का है. जब हम लोग आसाम में थे मैंने इसे तब बनाया था. तो मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड का बॉक्स और उसको मैंने ब्राउन कलर कर दिया है. और फिर मैंने बाहर से मैंने ये बहुत सारी लकड़ियाँ ली है. इसको मैंने ट्राई किया है कि एक ही साइज़ की हो, बहुत मोटी और बहुत पतली ना हो. और इसको मैंने हॉट ग्लू गन से इस तरह से स्टिक कर दिया है. एकदम अमेजिंग लुक है इसका. लेट मी नो आपको ये सिंपल सा आइडिया कैसा लगा. I'm looking at you. I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or
नेक्स्ट वन में मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही क्यूट सा वॉल हैंगिंग। इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड को मैंने ऑलरेडी एक गोल शेप में कट कर लिया है, विच इज़ लाइक सुपर सिंपल। उसके बाद इसके ऊपर मैंने नैपकिन स्टिक कर दिए हैं, ठीक है, टिश्यू पेपर स्टिक कर दिए हैं। आप ग्लू ले लीजिए, आप कोई भी सस्ता ग्लू लेके, सिर्फ हमें बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए मैंने इसमें नैपकिन इस तरह से स्टिक कर लिया है। वंस इट इज़ ड्राइड फिर हम इसके ऊपर लगा लेंगे जेसो, या आप जेसो लीजिए, आपको चॉक पेंट लीजिए, आप वाइट कलर लीजिए, बेसिकली हमको बेस को वाइट करना है, ठीक है, तो आप वो कैसे भी कर सकते हैं। सो जब तक बेस हमारा ड्राई हो रहा है, मैंने एक प्रिंटर से क्यूट सा प्रिंट निकाल लिया है, इसी को हम बेस में स्टिक करेंगे। तो पेपर नॉर्मल है, इसको मैंने साइड से अच्छे से टेयर कर लिया है, अब हम इसको अपने बेस पे स्टिक कर लेंगे। स्टिकिंग मेथड यही है, बिकॉज जब हम घर पे प्रिंट निकालते हैं ना, कलर ब्लीड होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, ठीक है, तो आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ही आपने पेपर स्टिक किया, उसके ऊपर आप ग्लू लगा लीजिए। ग्लू लगाएंगे ना, तो ब्रश को बस जहाँ आपने एक बार लगा लिया, दोबारा बार बार घुमाना नहीं है, नहीं तो इस तरह से कलर स्प्रेड हो जाता है। वो एक बार सूख गया, फिर आप इसको वार्निश से या आप एक और कोट ग्लू का लगा लो, आपका बेस रेडी हो जाता है। एक बार बेस रेडी हो गया, उसके ऊपर हम लिखेंगे सुंदर सा कोट। यहाँ मैंने फोन से ही निकाला है, क्या है ये, एंजॉय द लिटिल थिंग्स। अच्छा, यहाँ हम लिखने वाले हैं क्यूट सा कोट, एंजॉय द लिटिल थिंग। ये आप किसी से भी लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम इसके ऊपर वार्निश नहीं लगाएंगे। तो अगर आपके पास मार्कर है, पेन है, आप उससे लिख लीजिए। साइड में मैंने इसे थोड़ा सा एक गोल्ड कलर से हाईलाइट करके जूट रोप लगा लिया है। जूट रोप लगाते आप देखिए एकदम डिफाइन हो जाता है, नाउ इट्स लुकिंग लाइक यू नो फ्रेम। और टॉप में मैंने इसको हैंग करने के लिए इस तरह से एक होल कर लिया है, उसमें एक क्यूट सा मोती आप लगा लो। इफ़ यू हैव रिबन्स, यू कैन ऑलवेज मेक अ बो। यहाँ मैंने लिटिल क्रिएटिव्स के बो लिए हैं, सो इनका भी लिंक मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बो बनाना बहुत ही सिंपल है, नीचे से मैंने इसे कट कर लिया है एंड ऊपर सबसे टॉप पे मैंने स्टिक कर लिया है। लेट मी नो आपको ये सिंपल सा घर पे बनाया हुआ वॉल डेकोर कैसा लगा। नेक्स्ट DIY के लिए हम लेने वाले हैं क्ले, और मैंने लिया है एक बेस जिसमें हमारी दही आती है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंटेनर्स हम सबके पास होते हैं, तो मैंने यहाँ पर शेप इट की क्ले ली है, दैट इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी। आप कोई भी क्ले ले सकते हैं जो भी अवेलेबल है आपके पास, और हमें इसमें बनाना है रेनबो। बेस में मैंने चॉक पेंट लगा लिया है, और उसके बाद मैं इसको रेनबो का शेप दूंगी। मैं एग्जैक्टली 7 कलर्स तो नहीं बनाने वाली, जितने भी इसमें कलर्स आएंगे डिसेंटली उतने ही फिट करूंगी, बहुत इसको ओवरडू नहीं करेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से सूखने दिया। वंस दैट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड, फिर हम करेंगे इसमें सुंदर सुंदर कलर्स। तो एक एक करके मैंने कलर किया है, रेड पीचिश, फिर मैंने ऑरेंज किया है, फिर येलो किया है, ग्रीन किया है, और लास्ट में मैंने ब्लू किया है। जो भी आपके पास कलर्स है, आप बस इसे कलर कर दीजिए। बीच में मैंने एक छोटा सा हार्ट बनाया है, और साइड में भी मैं इसमें हार्ट्स बना दूंगी। हार्ट बनाना इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल सी, पहले आपको ब्रश एकदम सीधा रखना है, और फिर साइड में आप इस तरह से कर लीजिए, तो वो हार्ट बन जाता है। आई लव दिस टेक्निक ऑफ मेकिंग हार्ट, इट इज़ सो ईजी। एक बार ये सूख जाता है, फिर इसके ऊपर मैंने एक गोल्ड कलर से यू नो इसको हाईलाइट किया है, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। अगर आपके पास ये कलर नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। और फिर मैंने इसको सील कर दिया है अच्छे से वार्निश से, एंड या दिस इज़ हाउ आप ब्यूटिफुल यू नो यू कैन यूज़ इट एज अ पेन स्टैंड। मैंने इसको अनायशा के रूम में रखा है, इसमें वो कलर्स रखती है। आप इसको प्लांटर बना सकते हो, एंड दिस इज सच अ क्लासिक पीस, यू कैन मेक इट फॉर योर होम। लेट मी नो आपको ये कैसा लगा। लास्ट वन इज़ माई मोस्ट फेवरेट वन एंड द मोस्ट ईजी वन। इसके लिए मैंने सर्फ की बॉटल ली है, और उसको मैंने नीचे से कट कर लिया है। स्ट्रेट कट करने का दिस इज़ द मोस्ट ईजी वे। ऐसे पेन रखिए और टक से आप इसे कट कर लीजिए। उसके बाद मैं इसमें बनाने वाली हूँ एक छोटू सा क्यूट सा फेस, जिसको मैंने एकदम प्यारा सा चश्मा पहनाया है। तो मैंने ड्रॉ कर लिया है क्या मुझे चाहिए, उसके बाद हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है। अगर आपके पास क्ले है, आप क्ले से भी कर सकते हो। मुझे लगता है हॉट ग्लू गन काफ़ी सारी चीज़ें कर देता है, तो आप ये वाला तरीका भी ट्राई कर सकते हो। तो एक बार वो सूख जाता है, फिर मैंने इसके ऊपर लगा लिया है जेसो। नाउ आई एम गोइंग टू कलर इट। कलर में मैंने सोचा इसको येलो ही करती हूँ, ज़्यादा कुछ खास एक्सपेरिमेंट करूँगी नहीं। जैसे इमोजी के कलर्स होते हैं ना, बस वही मैंने सोचा वैसा ही बना देती हूँ। तो येल्लो मैंने किया है, ऊपर हम ब्लैक कलर से इसके बाल,
चश्मे, आँखें, नाक, मुंह, जो भी हैं सब कुछ हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करते वक्त आई हैव टेकन हियर जीरो नंबर का ब्रश। ट्राई टू टेक जीरो नंबर ब्रश इफ़ यू डू सम डिटेल वर्क, अदरवाइज आप मार्कर भी ले सकते हो और मार्कर से भी ये सारी चीज़ें हाईलाइट कर सकते हो। इसको सील कर लीजिए वार्निश से एंड या दैट इज़ इट, अ ब्यूटिफुल यू नो प्लांटर इज़ रेडी। यू कैन ऑल्सो एक्चुअली यूज इट एज अ पेन स्टैंड और वेर एवर यू वॉन्ट। मैंने इसके अंदर अभी आर्टिफिशियल प्लांट लगाया है, वी कैन यूज़ इट यू नो इन एनी वेज। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ ट्यूटोरियल। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सबसे अच्छा DIY आपको कौन सा लगा, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू आर न्यू टू आर चैनल, डू सब्सक्राइब एंड वॉच माई अदर वीडियोज एज वेल। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। But they've all gone out the window of this car. And when I feel